होता, छीना झपटी होती थी, मारा पीटी होती थी, और क्या होता था। अच्छा हाँ। और महिला सुरक्षा सब ठीक है इस टाइम में? सब ठीक है, सड़के वड़के, बिजली बिजली बढ़िया आ रही है? बिजली बढ़िया आ रही है, अखिलेश की सरकार में तो बिजली इतनी कटती थी कि पूछो, मैं सोया नहीं जाता था रात को जी। अच्छा हाँ। केजरीवाल नहीं आएगा? केजरीवाल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हाँ। कह रहे फ्री देंगे। अजी क्या फ्री देगा, आदमी क्या फ्री दे रहा है, औरतों को फ्री दे रहा है, आदमी क्या फ्री दे रहा है, आदमी तो दो की सीट पे एक बैठा हुए खड़े रहे जो तीन तीन घंटे, और तो मैं बिगड़ टिकट के बैठ जाऊँ तो और तो कर रहा है, हमें क्या कर रहा है। केजरीवाल ने तो बहुत बदमाश आदमी है केजरीवाल। हम तो अखिलेश के साथ हैं। अखिलेश जी के साथ है जी। क्या लग रहा है? उसी को ही देंगे। काम किया था अखिलेश जी ने? बहुत करा। क्यों नहीं? क्या काम कर दिया? बहुत काम करा उसने। थोड़ा सा बता दो, जितने फ्लाईओवर है उसी ने तो उद्घाटन करा, इसने तो बस रिबन काटा है। हम तो अखिलेश को ही देंगे। यहाँ पर रिबन काटने बता दिया, जहाँ चल रहा है किसी और ने बना दिया, ये भी अखिलेश ने बनाया है ना। तू देगा अखिलेश को दे लीजिए, यहाँ जो दिख रहा था यहाँ कोई है और करने वाला, किसी ने करा यहाँ विकास? और भाजपा के अलावा कोई बताओ किसने करा विकास यहाँ पे? भाजपा ने करा ना। बहुत खराब थी। अब तो सोने में सुहागा वाला हाल है, जमीन आसमान का फर्क है यहाँ पे अब। हाँ, इतना फर्क है यहाँ पे अब। पहले तो अखिलेश जी तो कह रहे भैया कि हमारे टाइम बढ़िया था, हमने विकास किया। कुछ भी ना था यहाँ पे, कुछ भी ना था यहाँ पे, खाली हाल हो जाता था बेटा, पानी जम जाता था। योगी जी आए तब से यहाँ पे रोड बन गई है, सब अच्छा हो गया, यहाँ पे पानी बहुत बढ़ जाता था। पहले नहीं था ये? नहीं था पहले, पहले बहुत भर जाता था, अब तो भर भी नहीं रहा। अब नहीं भर रहा पानी। अब कैसे देखते हैं 22 में चुनाव है, किसकी सरकार बनेगी? सरकार बनेगी बीजेपी की। अच्छा हाँ। क्यों? जो काम करा आज तक किसी ने करके दिखाया है? 370 का चली आ रही थी कितने दिन से जी, अब किसने हटाई? मोदी जी ने जी, बिल्कुल। हैं, कोई हटा सकता था? 370 हटाई, 35 हटाई, NRC हटाई, CA हटाया हैं, और जो विकास योगी ने कर दिया किसी ने करा? हमारी सड़क पर चलते हुए गिरते थे, क्यों बताएगा? गिरते थे भाई, नहीं गिरते थे इस सड़क पर? गिरते थे केवल केवल योगी जी की नीति से बनी है आकर के, जो हमारे पंकज भाई हैं विधायक जी, उन्होंने बनवाई है। अच्छा, तो निश्चित आएगी सरकार, जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। उन्होंने क्या नहीं किया बताओ भाई? जहाँ भी उन्होंने जब भी जरूरत पड़ी है, कोरोना काल में किसने सहायता करी? केवल बीजेपी के अलावा कोई निकल के आया? कोरोना काल में बीजेपी के अलावा कोई निकल के आया? अगर राशन बांटा तो बीजेपी ने बांटा है, कोई भी सहयोग करा तो बीजेपी ने करा है, डॉक्टर कोई किसी को भी मेडिकल सहायता दी है तो बीजेपी ने दी है। बताओ फिर किसे वोट देनी चाहिए? बीजेपी को देनी चाहिए, बीजेपी आएगी। एक चीज और बताइए, अब तो लोग कह रहे हैं योगी जी गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो क्या योगी जी ने गुंडागर्दी कम करी है, बढ़ा दी है? योगी जी जब से आए तब से आदमी सुरक्षा की सांस ले रहा है। अच्छा, यानी उससे पहले तो ये था कोई किसी को पकड़ के रगड़ दिया। हाँ भैया, तुम भी नहीं आ सकते थे यहाँ तो, पहले ऐसा हाल था। इसके राज में था, इसके था अखिलेश यादव के राज में पहले। हाँ। ऐसा होता था क्या? ऐसे ही होता था, खुद चोर है दुनिया चोर है। अच्छा, क्या तरह? अब हम आएंगे 350 लेके। ठीक है, आ जाए। क्या लग रहा है किसकी बनेगी ये तो बता? योगी की। योगी और आपके हिसाब से? योगी योगी। अंकल जी की एक चीज और कहा जाता है कि जो अब ओवैसी जी कह रहे हैं कि योगी को नहीं आने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ओबीसी के कहने से सरकार बनेगी क्या भाई? सरकार योगी ओबीसी बनाएगी, जनता बनाएगी, जो जनता जनार्दन है, जिसने काम किया है जनता जनार्दन उसे बनाएगी, काम को वोट मिलेगा जी। किस हिसाब से जो कह रहे हैं कि भाई वो योगी की नहीं बनने देंगे, वो किस आधार पर कहेंगे भाई? किसी ने कुछ करके दिखाया? कोरोना काल में कितना आदमी मर गया है, किसी ने सहायता करी आगे? कहाँ थे जब जो ओबीसी वो जब लोग मर रहे थे? अभी भी योगी जी ने दिवाली तक के लिए राशन फ्री कर रखा है, राशन फ्री बट रहा है जी। किसने किया है? वैक्सीन फ्री लग रही है, सबसे पहला देश है हमारा जो वैक्सीन में सबसे आगे चल रहा है जी। जी बिल्कुल। फिर बताइए किसे वोट मिलेगी जी? हाँ? पानी था कहाँ पे? यहाँ पर थी पिटा पर। हाँ जी, किसके राज में था? किसके राज में था? योगी जी ने तो बनवाया ही है। योगी जी ने बनवाया, और कौन बनवाया? बीजेपी ने बनवाया। अच्छा, और क्या काम हुआ बीजेपी में? बीजेपी ने बहुत काम करवाया, क्या नहीं करवाया? सरकार 22 में योगी जी की आएगी? योगी जी की आएगी और क्या आएगी? एक चीज और बताइए अंकल जी की, कह रहे हैं कि ये सरकार जो है जब से विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया, कह रहे ब्राह्मण विरोधी सरकार है, तो क्या ब्राह्मण विरोधी है? ब्राह्मण विरोधी कौन ना, सारे ब्राह्मण विरोधी रहे, कहाँ से ब्राह्मण विरोधी है? अगर वो कोई गलत काम कर रहे थे तो सजा मिल गई। बिल्कुल।
इसमें क्या ब्राह्मण विरोधी है? ब्राह्मणों का तो आज हो रहा है शोषण, देखो ना कि आगे आने वाले टाइम में कि ब्राह्मण आ जाए। जब इलेक्शन आता है तो सब ब्राह्मण याद आते हैं, मगर जो भाजपा में सम्मान मिल रहा है वो कहीं नहीं है। पहले तो ये भी नारे दिए जाते थे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। हाँ तो इसीलिए तो जो ब्राह्मणों ने साथ छोड़ा, अब वही कह रहे। और जैसे जहाँ इज्जत मिलेगी ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों के किसी को भी जहाँ इज्जत मिलेगी वहीं जाएगा। अच्छा, बिना इज्जत के कैसे पहुंच जाएगा भाई कहीं पर? बिल्कुल बिल्कुल। क्या राम मंदिर कोई और बनवा देता? 500 साल हो गए किसी के बस की थी राम मंदिर बनाने के? 500 साल रेट का पड़ा था, कौन बनवा सकता था बताओ? किसी की हिम्मत थी? केवल मोदी जी योगी जी के द्वारा बनाए और बन रहा है, कोई बना ही नहीं सकता था। अब तो कह रही है मायावती की पार्टी की हम बीजेपी से पहले बनवा देंगे। बीजेपी पहले बनवा कहाँ से देंगे, जो बन रहा है वो। अरे मरे हुए शेर की मूंछ कौन फाड़ लेगा बताओ? कोई फाड़ लो। अब शेर किसने मारा ये देखो ना, बनाया किसने? भैया अंकल जी आप कैसे देखते हो 22 में कौन आ रहा है फिर? योगी आ रहे हैं। क्या काम बढ़िया लगे योगी जी के? सारे काम बढ़िया लग रहे हैं। कोरोना काल में सारे मदद कर रहे हैं, योगी जी के तरफ से ही सारा काम हो रहा है। अच्छा, योगी और मोदी ही तो दोनों हैं, और किसको दिया जाए? कांग्रेस किसी ने काम नहीं किया बढ़िया। बिल्कुल, पहले क्या होता था, लोग तो पिछली सरकारें जो थी वो कह रहे हैं योगी जी ने गुंडागर्दी कर रहा है। ये कहने वाली बात है, सरकार तो एक दूसरे के ऊपर तो लगाती है लांछन के, यहाँ भाई उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। यहाँ किसने? पंकज जी ने किया। हाँ बढ़िया काम किया, काम ने किया पंकज जी ने किया, बहुत बढ़िया काम करा के लिए। योगी जी 22 में योगी आ रहे हैं फिर? योगी तो यहाँ खैर आते ही ना, कौन रोक सके ये तो बताइए, 22 में सरकार बनेगी बीजेपी की या क्यों ये और आ रहा परिवर्तन चाह रहे हैं? भैया केजरीवाल की तो बनने ना सरकार, योगी बन जा। अच्छा, केजरीवाल नहीं आएगा? केजरीवाल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हाँ कह रहे फ्री देंगे। अजी क्या फ्री देगा आदमी? क्या फ्री दे रहा है? औरतों को फ्री दे रहा है आदमी? क्या फ्री दे रहा है आदमी? जो दो की सीट पर एक बैठा हुए खड़े रहे जो 3-3 घंटे, और तो मैं बिगड़ टिकट के बैठ जाऊँ तो और तो कर रहा है, हम क्या कर रहा है? केजरीवाल ने तो बहुत बदमाश आदमी है, केजरीवाल बहुत बदमाश है। हाँ ये कभी आना नहीं चाहिए जनता को, पानी और वो बिजली। अजी पानी यहाँ दे रहा हूँ, बिजली पानी कह रहे आएंगे तो देंगे। अजी हाँ अब आप बिजली ले लीजिए, आप ही ना आयो। अच्छा हाँ अखिलेश जी है जी? अखिलेश जी भाई अखिलेश जी मैं क्या सकूँ आ भी सके जी, कोई बात ना अखिलेश जी आ सके। हाँ वो तो कह रहे योगी जी ने गुंडागर्दी बढ़ा रखी, तो ऐसा है क्या? योगी ने गुंडागर्दी नहीं बढ़ाई भाई। अच्छा योगी तो औरों ने गुंडागर्दी बढ़ाई है, वो योगी ने नहीं बढ़ाई। किसने कम बड़ी ज्यादा किसमें थी ज्यादा? पिछली सरकार में थी आप ज्यादा? ज्यादा थी उसकी में, अखिलेश की में। अखिलेश में? हाँ यादव की में ही गुंडागर्दी करनी। क्या होता था जो ना होना चाहिए वो हो गया था। अच्छा हाँ रात को आ जाते थे आराम से, और क्या खूब लूट मार करे यादव, और क्या करे खूब लूट मार करे उस टाइम पे। अच्छा हाँ अब विकास दिख रहा है योगी के राज में? हैं योगी के राज में विकास दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है खूब दिख रहा है। जनसंख्या नियंत्रण को कैसे देखते हो? जनसंख्या को? हाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है वो बढ़िया रहेगा। और राहुल गांधी भी तो उतरेंगे? हम तो खैर हैं राहुल गांधी के आदमी, और किसी के हैं? राहुल गांधी के आदमी हो, बढ़िया आदमी है। मैं दिल्ली नौकरी करता हूँ, मैं हमेशा आज तक कांग्रेस में रहा हूँ। अच्छा। और कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ेंगे। हाँ बांध के रखेंगे। जी 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 अंकल जी कौन आएगा 22 में? योगी जी मोदी जी का ही हल्ला है भैया, वही आने। योगी मोदी आएंगे? वही आएंगे गारंटी से। काम किया योगी जी ने? हाँ क्यों काम नहीं किया, दुनिया भर की बहन जो मर रहे हैं उनको भी दे रहे हैं, और जिंदे हैं बीमार हैं घायल हैं उनको भी दे रहे हैं, दे नहीं रहे हैं? जनसंख्या नियंत्रण को कैसे देखते हो? जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा सही है? दो बच्चे अच्छे हैं, ज्यादा बच्चे अच्छे हैं? दो ही बच्चे अच्छे हैं, लोग तो कह रहे हैं भैया 20 अच्छे हैं अंकल जी। वो बकवास है, उनको खाने को भी पूरा नहीं होगा। अच्छा हाँ महंगाई का दौर है, वो पूरा भी नहीं कर पाएंगे, पूरा ही नहीं कर पाएंगे। भैया आप कैसे देखते हो 22 में कौन आएगा? 22 में जो आएगा 22 में देखेंगे। आप तो बता दो आपके हिसाब से कौन आना चाहिए। अभी कैसे बता दें कौन आएगा? अरे भैया कुछ तो बता होगा आपको, आप किसके साथ हो? हम तो अखिलेश के साथ हैं। अखिलेश जी के साथ है जी? क्या लग रहा है? उसी को ही देंगे।
काम किया था कलेश जी ने? बहुत करा, क्यों नहीं? क्या काम कर दिया? बहुत काम करा उन्होंने। थोड़ा सा बता दो, जितने फ्लावर है उसी ने तो उद्घाटन करा, इसने तो बस रिबन काटा है। हम तो अखिलेश को ही देंगे। यहाँ पर रिबन काटने बताता जहाँ चल रहा है, किसी और ने बना दिया? ये भी अखिलेश ने बनाया है ना, तू देगा अखिलेश को दे लीजिए। यहाँ जो दिख रहा था यहाँ कोई है और करने वाला? किसी ने करा यहाँ विकास? और भाजपा के अलावा कोई बताओ किसने करा विकास यहाँ पे? भाजपा ने करा ना, कोई बताओ कि किसी और ने कर दिया हो? तो जिसने करा उसका वोट मिलेगा? भैया मैं अभी अभी आया, मैं तो फिर भी पता तो होगा मुझे, जा पाता कि ना पता। मैं अभी आया, मेरे साथ टाइम ना, अभी मेरे को 2 महीना ना भैया ना आए। अभी इतना काम कर, जो काम नहीं हुआ वो भी भाजपा के काल में हो रहे हैं, जो नहीं करा पाया कोई भी। अभी अंडर पास बनवा रहे हैं पंकज भैया जी, यहीं पे अंडर पास से नीचे से निकलने के लिए। और यहाँ तो रास्ता ही नहीं था, कौन निकालता? अगर किसी ने आके पूछा हो, ये पूछो ना, जब सब खड़े कोई बताए तो नहीं, किसी और ने किया? बहुत खराब थी पहले, बहुत खराब थी। अब तो सोने में सुहागा वाला हाल है, जमीन आसमान का फर्क है यहाँ पे। हाँ, इतना फर्क है यहाँ पे। अब पहले तो अखिलेश जी तो कह रहे भैया कि हमारे टाइम बढ़िया था, हमने विकास किया। कुछ भी ना था यहाँ पे, कुछ भी रहता है यहाँ पे, खाली हाल हो जाता था बेटा। यहाँ पे पानी जम जाता था, योगी जी आए तब से यहाँ पे रोड बन गई है, सब अच्छा हो गया, यहाँ पे पानी बहुत भर जाता था। पहले नहीं था ये? नहीं था पहले, यहाँ पहले बहुत भर जाता था, अब तो भर भी नहीं रहा। अब नहीं भर रहा पानी जी? आप कैसे देखती है आंटी जी? अरे हंसी है, मत बता तो दीजिए। योगी जी के अलावा दूसरे तो चांस नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि योगी जी ने इतना विकास किया है, आज इस रोड पे इतने इतने पानी भर के हम लोग जाया करते थे। अच्छा, आज जो है कि रोड RCC हो गया है और गलियां भी सारी पक्की बन रही हैं। पक्की बन रही हैं? हाँ। पहले नहीं हुई थी? पहले नहीं हुई थी। अच्छा, और एक चीज और बताओ, गुंडागर्दी बढ़ा दी कम कर दी? गुंडागर्दी तो बहुत कम हो गई है। 10 बजे के बाद हाईवे पे हमारे मोबाइल छीन लिए जाते थे, ड्यूटी से आते समय बहुत दिक्कत होती थी। अब तो हम 12 बजे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली सरकारें तो कह रही इन्होंने बढ़ा रखा। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश की सरकार में और गुंडा राज था। क्या होता था? क्या होता, छीना झपटी होती थी, मारा पीटी होती थी, और क्या होता था। अच्छा, हाँ। और महिला सुरक्षा सब ठीक है इस टाइम में? सब ठीक है। सड़कें वड़के, बिजली बिजली बढ़िया आ रही है? बिजली बढ़िया आ रही है। अखिलेश की सरकार में तो बिजली इतनी कटती थी कि पूछो, मैं सोया नहीं जाता था रात को। जी बढ़िया काम कर रहा है। लोग तो कह रहे काम बिगाड़ रखे हैं। नहीं, बढ़िया कर रहा है। अखिलेश तो कह रहे हैं विकास रोक रखा है। हमारे तो बढ़िया आ रहा है, 6,000 साल में आ रहे बैंक में। अच्छा, और क्या, और क्या क्या फायदा हुआ? किसान बैठे हुए, कह रहे किसान बैठे हुए, लॉकडाउन लगा, एक महीना सैलरी मिली। इधर देख लो थोड़ा सा, अब ये बता दो, कह रहे किसान बैठे हुए ऊपर, एक महीना सैलरी मिली लॉकडाउन लगा। ये तो बता दो, किसान बैठे हुए, कह रहे किसान नाराज है, बीजेपी नहीं आएगी। किसान नाराज है, लखनऊ पहुंचे तो पता लगा किसान क्या हो रहा, क्या होगा, होगा तो मालूम हो जाएगा। आप कैसे देखते हो अंकल जी, सरकार किसकी आएगी? अरे बीजेपी फिर आएगी। फिर आएगी बीजेपी? हाँ, उसमें कोई शक ही नहीं है। कोई शक नहीं है ना? क्या काम किए बीजेपी ने? अरे सब अच्छा ही काम है उसके। 4,000 किराया लगा के वोट डालने गए। कहाँ गए थे? योगी बाबा के लिए, गाँव पे। हाँ, योगी बाबा के लिए। अब फिर पड़ेगा, फिर जाएंगे, फिर जाओगे, फिर जाएंगे। विकास दिख रहा उत्तर प्रदेश? हाँ, विकास बढ़िया है। आप बताओ जी, बढ़ाइए कम कर दी? अरे कम कर दी, गुंडा कर दी, गुंडों के तो ऐसी तैसी कर दी। अभी बीजेपी फिर आने वाली है दोबारा यूपी में। राकेश सिंह तो कह रहे हैं आने नहीं देंगे, अब लखनऊ जाके बैठेंगे धरने पे। अरे कोई भी जाए कहीं, और तो हम बीजेपी को देंगे, लाएंगे बीजेपी को, बीजेपी को लाएंगे। किसान नाराज बैठे हैं? किसान को फोकट में नाराज बैठे हैं, क्या कमी है किसानों को? काम धंधा उनके पास है नहीं, नाराज बैठ जाते हैं जाके। अच्छा।